हे गाइस, वेलकम टू सुर मेडिकल्स। आज के वीडियोस में अनदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जानने वाले हैं। चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किडनी स्टोन के बारे में जानेंगे। यूजुअली सब भी जानते हैं किडनी स्टोन क्यों हो जाता है, बट फिर भी इस वीडियोस में हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंगली समझेंगे कि किडनी स्टोन बनता कैसे है एंड इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक रेमेडी जो काफ़ी इफेक्टिव है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट को मैंने जो है होम्योपैथिक रेमेडी जो मैंने सजेस्ट की, एडवाइस की, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलता है। इसलिए मैं ये वीडियो शेयर करना इंपॉर्टेंट समझे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी, यूरेटर एंड ब्लडर स्टोन कहीं पे भी हो सकते हैं। यूजुअली जो है जहाँ पे यूरिन रुकता है वहाँ पे स्टोन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। किडनी में देखिए यूरिन बनता है। किडनी क्या करता है, एक फिल्टर ऑर्गेन है जिसमें कि ब्लड को फिल्टर करता है। तो ब्लड फिल्टर करता है तो उसमें यूरिन बनते हैं। तो यूरिन में कुछ आयन्स, यूरिया, यूरिक जो होते हैं उसमें कुछ जो आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो यूरिन में मिलते हैं। अगर वो आयन्स जो है अगर एक्सेस हो रहे हैं तो वो एग्रीगेट होने लगते हैं या कंसनट्रेट हो रहे हैं, गाढ़ा हो रहे हैं, तो एग्रीगेट करके स्टोन बनने लगते हैं। तो ये स्टोन किडनी में भी हो सकते हैं, यूरेटर में भी हो सकते हैं, ब्लड में भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, स्टोन बनने का कई सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो स्टोन बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए मोस्ट ऑफ द मेनली जो मेल में ज़्यादातर ये स्टोन बनते हैं 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज में। इसलिए बिकॉज मेल जो होते हैं सेडेंट्री हैबिट्स में बहुत देर तक बैठे रहते हैं एंड लेस इनटेक ऑफ वाटर करते हैं। सो मोस्ट कॉमनली जो है मेल में देखने को मिलते हैं एजेस में 30 to 60 ईयर्स ऑफ एजेस पर ज़्यादातर स्टोन। अब हम जानेंगे कि स्टोन कितने टाइप के होते हैं। मोस्ट कॉमनली स्टोन के बारे में ही जानेंगे, बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली स्टोन जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट हो गए, आपके स्टूबाइट स्टोन हो गए, सिस्टीन स्टोन हो गए एंड यूरिक स्टोन हो गए। जिसमें और भी जान लेते हैं, एक तो जो है एक्सेस कैल्शियम डाइट जो ले रहे हैं उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर यूरिक एसिड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जस्ट लाइक चिकन मीट वगैरह ले रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स वगैरह ले रहे हैं, ज़्यादातर उसमें जो है यूरिक एसिड मोर मिलता है, जो कि एक्सेस लेने से, लिमिट में ले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेस लेने से क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है जिसके वजह से स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस तरीके से ऑक्सीलेट स्टोन जो होते हैं ज़्यादातर जो पिगमेंटेड जो आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे तो उसमें भी जो है स्टोन बनने का ज़्यादा चांसेस होता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर फीवर है या कोई इन्फेक्शन है तो आपको फॉस्फेट जो एंजाइम होते हैं वो बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से भी सिस्टीन स्टोन जो बन सकते हैं, स्टूबाइट स्टोन बन सकते हैं। तो ड्यू टू मेनी रीजंस जो हैं अगर आपके जो यूरिन का मोर एसिडिक हो रहे हैं तो भी स्टोन बनेंगे, मोर बेसिक हो रहे हैं तो भी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। कोई कोई यूजुअली जो यूरिन होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन अगर ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो भी स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, या ज़्यादा बेसिक हो रहे हैं तो भी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बता रहे थे कि मोस्ट कॉमनली स्टोन के बारे में ही इस वीडियोस में बातें करेंगे। तो देखिए स्टोन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं, तो देखिए स्टोन एक स्मूथ भी हो सकते हैं, स्टोन जो होते हैं या जैक्ट हो सकते हैं इस टाइप के, देखिए आई थिंक यू कैन सी इट जैक्ट टाइप के, या फिर स्टोन जो है हॉर्नी टाइप के हो सकते हैं जिसमें हॉर्न मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करी हूँ। इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं जो कि शॉक वेव ट्रीटमेंट से उसको स्टोन को जो है निकाला जाता है। अदर ट्रीटमेंट जो होते हैं परक्यूटेनियस जो होते हैं, लिथोस्कोपी करके उसको स्टोन को निकाला जाता है एंड देन नेक्स्ट इसमें जो है ओपन सर्जरी करके भी निकाला जा सकता है एंड नेक्स्ट इसमें जो है यूरोस्कोपी करके उसमें किया जाता है, स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है। सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं एज पर जो स्टोन के कंडीशन रहते हैं कराया जाता है। उसके अलावा मैं होम्योपैथिक रेमेडी की बातें करूंगी इस वीडियोस में, जो कि मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो इस वीडियोस में मैं बताऊंगी जो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सो गाइस, बल्बरीज वर्गरीज पहला जो होम्योपैथिक रेमेडी मोस्ट इफेक्टिव है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये रेमेडी जो होते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में लिया जाता है, जो है इसके 20-20 ड्रॉप्स 3 times a day देंगे, जिसमें कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और ये रेमेडी किंग ऑफ द किडनी स्टोन के लिए है, हेड ऑफ द रेमेडी है, जिसमें कि किडनी स्टोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। तो ये अगर आपको पेन हो रहे हैं, एकिंग पेन
पेन हो रहे हैं, किडनी स्टोन की वजह से लेफ़्ट साइडेड में ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, एक्ट करता है बोथ फॉर राइट एंड लेफ़्ट दोनों के लिए, लेकिन लेफ़्ट साइडेड में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है स्पेशली किडनी स्टोन की वजह से, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको आप 1 आवरली ले सकते हैं 10-10 ड्रॉप्स करके, कुछ घंटे में इसके जो पेन होते हैं वो रिलीफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको किडनी स्टोन में दिया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं तो आपको आवरली लेना होता है। एंड अगर जो पेन इसके डल है, एकिंग है, लेफ़्ट साइडेड है, तो इसको हम लोग एज़ पर सिम्टम्स जो है हम लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसको टाइम टेकन होता है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसका ड्यूरेशन होता है, जैसे जैसे रिलीफ होता है रेमेडी जो है हम लोग स्टॉप करने लगते हैं। लेकिन इसको जो है 20 ड्रॉप्स ट्राइस ए डे हम लोग मदर टिंचर को इसको हम लोग सजेस्ट करते हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट रेमेडी की बात करें तो हाइड्रेंजिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। ग्रेवल है, कोई भी स्टोन हो, कहीं पे भी स्टोन रहता है तो उसको तोड़ के ये निकालता है। तो इसको भी हम लोग 15 ड्रॉप्स पर ट्राइस ए डे देते हैं एंड काफ़ी इफेक्टिव एंड अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं अपने पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखती हूँ और इसमें काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो हाइड्रेंजिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर द किडनी स्टोन्स सिम्टम मैच करे तो। नेक्स्ट रेमेडी की बात करूँ तो लाइकोपोडियम 30 लेफ्ट साइडेड स्पेशली वर्क करता है एंड देन इनडाइजेशन है, पेशेंट को गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है, साथ ही में उसको पेन हो रहे हैं एंड ये एक इंटरकरेंट रेमेडी है। बट इसको 30 पोटेंसी में फॉर 1 मंथ लेंगे 2 टाइम्स ए डे एंड फिर बीच में उसको गैप कर देंगे एज़ पर सिम्टम्स इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके हायर पोटेंसी जाएंगे वीकली होंगे नेक्स्ट जो इसका पोटेंसी, क्योंकि डीप एक्टिंग रेमेडी है। तो अपनी फिशन से इस लाइकोपोडियम के बारे में अच्छे से पता करें एंड देन इसको लेना शुरू करें एंड काफ़ी अच्छे एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट रेमेडी की बात करूँ तो कैल्केरिया कार्प इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर द किडनी स्टोन। इफ़ द स्टोन इज़ ड्यू टू द यूरिक एसिड और फॉर द कैल्शियम स्टोन, तो इसमें क्या होता है कि अगर वो स्टोन जो है पास आउट होने में बहुत ही ड्यू टू स्टोन उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, यूरिन पास नहीं हो रहे हैं, तो कैल्केरिया कार्प इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर द यूरिन स्टोन। सारे रेमेडी के साथ एक और जो आती है क्लियर स्टोन, जो कि उसके साथ साथ चलाया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसमें जो है क्लियर स्टोन को जो है हम लोग उसको 15 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे देते हैं, सो काफ़ी इफेक्टिव एंड अच्छा रिजल्ट देता है। इस तरीके से बहुत सारे रेमेडीज इसमें हैं, सरसापारेला, अर्टिका, यूरेन्स, दिस ऑल आर द रेमेडीज, इट इज़ वेरी गुड फॉर द किडनी स्टोन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। सो अपने कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने फिजिशियन को जरूर कंसल्ट करें एंड इट गिव्स द इफेक्टिव रिजल्ट्स, सो बिलीव इट एंड टेक इट पेशेंसली एंड ऑल्सो इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर द किडनी स्टोन। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज and then if you like this video, videos please share, subscribe and like and do take care.